friends, I'm Elad Sangi, welcoming you to Concept Cracking Zone. Today, we will start a new series on properties in number system. So, without any further delay, let's start our today's video. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम प्रॉपर्टीज इन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, पर ये कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? हम यहाँ पर एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है, जो कि कंसिस्ट होगा 6 वीडियोस. एक सीरीज होगा, एक प्लेलिस्ट जैसा होगा जो कि कंसिस्ट करेगा 6 वीडियोस का, ठीक है. यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम के मेन 4 चीजें हैं, ठीक है, उन सब के प्रॉपर्टीज, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, इन सभी को अच्छे से बहुत क्लियरली जानेंगे इस पूरे के पूरे हमारे सारे के सारे वीडियो में, ठीक है. तो ये कुछ इस तरह से होगा कि आज का ये जो वीडियो है वो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है, ये दोनों को बेस करके क्लोजर प्रॉपर्टी में होगा, ठीक है, ये दोनों को बेस करके क्लोजर प्रॉपर्टी में होगा सबका, ठीक है. इसके दो होंगे, इसके दो होंगे और इसके दो होंगे, और पहला जो क्लोजर है, क्लोजर के दो कौन कौन होंगे, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, इसी का भी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर, इसका भी वैसा ही, ठीक है. तो इसका होगा 1 एंड इसका होगा 1 एंड 2, यहाँ पर होगा 3 एंड 4, यहाँ पर होगा 5 एंड 6, ठीक है, 5 एंड 6 एंड 6, ठीक है, ये सब होंगे. इनके अलग अलग करके हम 6 पार्ट टोटल में अपलोड करने वाले हैं. तो ये है इसके जो हमने बेसिक्स मैंने आपको बता दिए इस जो है. तो हम यहाँ पर आज की वीडियो में, जैसे कि मैंने बोला कि हम जानेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम ये जो नेचुरल नंबर और होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी का विषय में इस वीडियो में बात करेंगे. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स. उसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ होल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स. तो चलिए पहले इसका नेचुरल नंबर्स को देख लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम आज नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो प्रॉपर्टीज जानेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी क्या था, वहां पर आपने देखा होगा, हम अभी देखा होगा ना आपने कि क्लोजर था. तो उसको पहले हर जो हमारा एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उन सभी जगह में हम पहले उसको वेरीफाई कर लेते कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है. तो फर्स्ट एडिशन, पहले ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब अगर हम देखेंगे पहले एडिशन का देखते हैं. ए प्लस बी, मतलब ठीक है, अगर a एक नेचुरल नंबर है और b भी एक नेचुरल नंबर है, तो c will also be a natural number, ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब इस प्लस को आप ध्यान ना दीजिए, ठीक है, इस प्लस को ध्यान मत देना. देखो ये एडिशन है तो यहाँ प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो इंटू आएगा, डिवीजन है तो डिवाइड आएगा, इस तरह से वो होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस यानी ही क्लोजर प्रॉपर्टी यानी प्लस ही होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि सिर्फ प्लस यानी ही क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, कुछ अदर भी हो सकता है. जैसे कि अब मैं अगर सब्ट्रैक्शन का चेक करूँ तो ये होगा, मल्टीप्लिकेशन का चेक करूँ तो इंटू का साइन आएगा, डिवीजन का करूँ तो डिवीजन का साइन आएगा, इस तरह से वो होगा. पर देख लीजिए यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे, ठीक है, आप समझ लिया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है हमने समझ लिया. अब हम देखेंगे, हम अब देखेंगे कि अब वेरीफाई करेंगे एक एक करके, ठीक है, हम एक एक करके सबको वेरीफाई करेंगे. पहला है एडिशन, तो एडिशन में यहाँ पर क्या आएगा, प्लस साइन आएगा. तो ये देखिए, क्या ये सही होगा, क्या ये इक्वेशन सही होने वाला है. देखिए ए अगर एक मतलब ए अगर एक नेचुरल नंबर है और बी भी एक नेचुरल नंबर है, तो क्या सी भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, ये देखते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. जैसे कि हमने 5 लिया एग्जाम्पल, 5 और क्या 6 लेते हैं, ठीक है. देखिए 5 प्लस 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा. 11 एक नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, 11 एक नेचुरल नंबर तो है ही. फिर हम अगर 1 और करेंगे 3, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, 4 भी एक नेचुरल नंबर है. तो इस तरह से
हम जो भी एग्जांपल लेंगे, कोई भी एग्जांपल लेंगे, सभी एग्जांपल में ये वेरीफाई पक्का हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एडिशन सही है, या फिर एडिशन इज मतलब नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा a माइनस b होगा ना, माइनस होगा ना, पहले प्लस था अब माइनस होगा, a माइनस b सब्ट्रैक्शन है इसलिए a माइनस b इज इक्वल टू c। क्या c एक मतलब नेचुरल नंबर होगा, देखते हैं। हम पहला एग्जांपल ले लेंगे 11 से 5 माइनस करेंगे, ठीक है, हम छोटे छोटे ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 11 से 5 माइनस करेंगे, देखते हैं क्या होगा। 11 से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 है कि नेचुरल नंबर, हाँ बिल्कुल है। पर देखो अगर हम करेंगे 3 से माइनस करेंगे 4 होगा क्या, नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1, पर माइनस 1 तो एक नेचुरल नंबर है ही नहीं। यहाँ पर हमने देखा, देख लिया इस तरह से कि ये जो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर थर्ड में आया मल्टीप्लीकेशन, अब इसको भी देख लेते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा, a इंटू बी इंटू सी, नहीं a इंटू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये c क्या है, नेचुरल नंबर होगा। चलिए देखते हैं, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 5 और 3 का, ठीक है, 5 एंड 3 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है, और हम ले लेते हैं 2 एंड 16, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 32 आएगा। इस तरह से हम कहीं कितना भी कोई भी ले लीजिए वो सेम ही आएगा, ठीक है। हम ले लेंगे 10 इंटू 200, बड़े बड़े नंबर भी लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला, ये 10 इंटू 200 हो गया 2000, इस तरह से वो कैसे भी हो वो होने ही वाला है, ये हम ये कह सकते हैं कि तो ये होगा ही होगा, जरूर होगा, मल्टीप्लीकेशन जरूर होगा, मल्टीप्लीकेशन इस प्रॉपर्टी में जरूर आएगा, तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे लास्ट साइन की ओर बढ़ते हैं जो कि है ऑपरेशन डिविजन, ठीक है, ए बाई बी, ठीक है, ए डिविजन बी, रुकिए हम अच्छे से लिख लेते हैं, ए डिविजन, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, ए डिविजन बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये ए डिविजन बी इज इक्वल टू सी, हम अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ हम इसको वेरीफाई करेंगे ना, जैसे कि हमने सबका किया, तो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, 15, ठीक है, 15 डिविजन 3 इज इक्वल टू 5, है ना, ये 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये हो गया। अब सेकेंड में क्या आएगा, अब यहाँ पर नजर डालो, ठीक है, 3 डिविजन 5 इज इक्वल टू 3/5 ना, 3/5 जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि डिवीजन नहीं होता है, तो हम डिवीजन को क्या बोलेंगे, हम डिवीजन को बोलेंगे कि डिवीजन, नो नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो हमने ये क्या देखा, एडिशन क्लोज है, सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं है, मल्टीप्लीकेशन क्लोज है, डिवीजन क्लोज नहीं है, ठीक है। अब हम होल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर जान लिया, अब होल के बारे में जान लिया, आइए अब हमने जैसे जैसे नेचुरल नंबर को देखा वैसे वैसे हमने कर लिया, अब हम होल वैसे वैसे हमने नेचुरल नंबर के बारे में जान लिया, उसका क्लोजर को चेक कर लिया, अब हम होल नंबर को चेक करेंगे, तो आइए देख लेते हैं एडिशन, ठीक है, होल नंबर्स एडिशन, जैसे कि मैंने बोला a प्लस बी इज इक्वल टू सी आएगा, पर यहाँ पर c नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर होना चाहिए, इस तरह से ये आएगा। तो देख लेते हैं इसका जो मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, अब हम 3 प्लस 0 लेंगे, 0 एक होल नंबर है, हाँ है, और फिर ये आंसर ऐसे, ये भी क्लोज है, ठीक है, ये भी क्लोज आएगा, यानी होल नंबर सब क्लोज अंडर एडिशन, यही आएगा आंसर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी इज इक्वल टू सी, हम देख लेते हैं कि हम 3 से 0 माइनस करेंगे, 3 आएगा, 3 एक है होल नंबर, और फिर 5 से 2 माइनस करेंगे, ये भी आएगा 3, ये भी एक होल नंबर ही है, पर जब हम माइनस करेंगे 2 से 3 तो क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया। अब हम इसका स्टेटमेंट क्या देंगे कि
होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट में है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन का भी देख लेते हैं। a into b is equal to c, is c, c, c एक होल नंबर है, चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। 5 into 2 is equal to 10, 10, 10 एक होल नंबर है, हाँ हो गया। अब हम करेंगे 20 into 5, ठीक है, तो ये 100 हो गया, 100 एक होल नंबर है, हाँ है। तो इस तरह से हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब डिवीजन की बात आएगी, हम डिवीजन देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये ए डिवीजन बी, ओके, ए डिवीजन बी इज इक्वल टू सी, हम इसका देख लेते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 100, ठीक है, 100 डिवीजन 4 इज इक्वल टू, 100 डिवीजन 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है, 100 डिवीजन 4 इज इक्वल 25 जो कि एक होल नंबर है। अब नेक्स्ट में आए, देखिए ऐसे हम ले रहे हैं, मतलब कुछ कुछ होते हैं और कुछ कुछ नहीं होते, ठीक है, पर जो एक भी नहीं हुआ तो वो उसके अंदर क्लोज नहीं होगा, यानी उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या एग्जांपल लेते हैं, हाँ लेते हैं इसको 4 डिवीजन 2 को ही ले लेते हैं हम, वो आ जाएगा, ठीक है, 4 डिवीजन 2 इज इक्वल 2, पर हम अगर लेंगे 1 डिवीजन 2, ठीक है, तो ये 1 डिवीजन 2 1 बाय 2 आएगा जो कि एक होल नंबर बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हमने इनका भी जान लिया, इनका मार दे देते थे, एडिशन में वो हुआ था, सब्ट्रैक्शन में नहीं हुआ था, मल्टीप्लिकेशन में हुआ था, डिवीजन में नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने आज का ये जो प्रॉपर्टीज नंबर सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट को खत्म कर दिया है। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंसेप्ट क्रैकिंग जोन को, जहां पर हम आपको समझाते हैं कंसेप्ट मैथ्स और साइंस के। तो देखते रहे हमारे सारे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।